So today we will learn how we can make proforma invoice का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है हमारे एक्सपोर्ट्स में। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से जब जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, पहला वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस ही होगा जो आप अपने बायर के साथ शेयर करेंगे। उस प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे ही आपको ऑर्डर मिलेगा। सो प्रोफॉर्मा इनवॉइस मस्ट होता है, उसमें जो भी आपकी टर्म कंडीशन होती है यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। सो बी केयरफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग परफॉर्मा इनवॉइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मा इनवॉइस। बहुत से लोगों की क्वेरीज आती है कि परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं। कई बार जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है इवन परफॉर्मा इनवॉइस ही बनाने में। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बना सकते हैं, उसका क्या क्या फॉर्मेट होता है, और अगर आप लोगों को परफॉर्मा इनवॉइस चाहिए, इसका फॉर्मेट चाहिए, तो आप जस्ट यू कैन ड्रॉप मी ईमेल और यू कैन कमेंट मी। आई विल डेफिनेटली हेल्प, हैप्पी टू प्रोवाइड यू दैट। सो ये जैसा आप स्क्रीन पे यू कैन सी कि दिस इज परफॉर्मा इनवॉइस। जो फर्स्ट जो हमारा आता है एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर कौन, जो आपका कंपनी का नाम विद डिटेल विद फोन नंबर विद पिन कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना है। कुछ भी आप यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, जी लिमिटेड हो गया आपका, तो यहाँ पे आपका पिन कोड पिन आ जाएगा 1101, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ये इस तरह आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। अब आ गया कंसाइनी। कंसाइनी जो आपको जिसको आप आपका इंपोर्टर जिसको आप मटेरियल भेज रहे हैं वो आपका कंसाइनी आ गया। तो यहाँ पे भी कंसाइनी में भी आप उसका एड्रेस डाल सकते हो, जो उसका कंट्री है वो आप डाल सकते हो। वो कंट्री आपका दुबई है तो यूएई आप डाल दो, उसमें आपका पिन आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसमें उसका कॉन्टैक्ट डिटेल आप डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप उसमें सब कुछ ये मेंशन कर सकते हो। तो ये आ गया आपका कंसाइनी का डिटेल। तो यहाँ पे आपका आ गया इनवॉइस नंबर और डेट। आप कुछ भी इनवॉइस नंबर आप उसमें डाल सकते हो 2001 ऐसे करके, और फिर आप उसमें डेट मेंशन कर सकते हो। तो आज जैसे डेट है 17 जनवरी, तो हम उसको डाल सकते हैं 2020। ओके, तो ये आज का। यहाँ पे आप एक्सपोर्टर्स का जो रेफरेंस नंबर इसमें डालते हैं, तो आप रेफरेंस नंबर में अपना आईईसी डाल सकते हैं। आईसी नंबर जो भी है आपका, आप वो आईसी नंबर इसमें डाल सकते हैं। अब आगे बात बायर्स ऑर्डर एंड नंबर डेट। आपको बायर ने ऑर्डर दिया होगा, उसके बेस पे आप परफॉर्मा इनवॉइस शेयर करेंगे उससे कि कब उसने मुझे ऑर्डर देना है। तो आप अगर आपके पास बायर का ऑर्डर है तो आप उसमें डेट उसका और ऑर्डर नंबर डाल सकते हो, नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। और यू कैन मेंशन जिस दिन मेल कम्युनिकेट हुआ उस दिन आपका मेल का डेट आप उसमें डाल सकते हो। अदर रेफरेंस कुछ ऐसा नहीं है, आप इट्स अप टू यू, कुछ डालना है तो डाल सकते हो। ये अगला पॉइंट आ गया बायर इफ अदर देन कंसाइनी। अगर ये कंसाइनी और ये बायर दोनों अलग अलग हैं तब यहाँ पे बायर का डिटेल आएगा। बायर मतलब कि जिसने इंपोर्ट किया है, कंसाइनी मतलब जिसको आप मटेरियल भेज सकते हो, भेज रहे हो। तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक बायर अलग हो सकता है, कंसाइनी अलग हो सकता है, और सेम भी हो सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ये सेम ही होता है। अब आगे कंट्री ऑफ ओरिजिन। आप इंडिया से भेज रहे हैं तो आप इंडिया से भेजेंगे, अगर किसी और कंट्री से आप भेज रहे हो तो आप और कंट्री में भेज सकते हो। कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन जैसे यूएई ने बोला था तो यहाँ पे यूएई आ गया। अब टर्म ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट्स, तो यहाँ पे आपको आपका डिलीवरी का जो टर्म्स है वो आपको डालना है। जैसे डिलीवरी टर्म आपका हो सकता है एफओबी है आपका, तो आप उसमें एफओबी टर्म्स डाल देंगे। डिलीवरी टर्म एफओबी अगर आ गया पोर्ट नावा सेवा पोर्ट मुंबई इंडिया ऐसे करके आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि आपका वो टर्म्स क्या है। उसके बाद पेमेंट टर्म क्या है, अगर आपका एलसी में है आप मेंशन कर सकते हो रिपोर्टेबल एलसी एट साइट, अगर एलसी में
ये आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपका डीपी में है, डीपी एट साइट डाल सकते हो। तो ये सारा आपका जो भी पेमेंट टर्म्स है, या डीए है तो डीए में जो भी आपका डीए टर्म्स में क्रेडिट टाइम है वो आप डाल सकते हो। तो इसमें आप सब कुछ ये मेंशन कर सकते हो। ये आ गया आपका प्री कैरिज बाय, इट कैन बी बाय रोड। तो इसमें कुछ आपको मेंशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बट यू कैन मेंशन रोड। प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय प्री कैरिज, कि आपको कहाँ पे पहले मटेरियल मिला है, जैसे मुंबई में मिला था, आप यू कैन मेंशन मुंबई नवाशहर। तो यहाँ पे वेसल वेसल अभी है, फ्लाइट नंबर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है अभी, अभी आप जब परफॉर्मा इनवॉइस शेयर करो तो लीव इट। तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या रहेगा आपका। पोर्ट ऑफ लोडिंग है आपका नवाशहर, तो आप नवाशहर डाल सकते हो मुंबई। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या रहेगा आपका, जैसे जेबल अली, तो आप यहाँ पे जेबल अली डाल सकते हो मुंबई में, जो वहाँ पे अपना यूएई में, तो वहाँ पे आप जेबल अली डाल सकते हो। फाइनल डेस्टिनेशन है तो फाइनल डेस्टिनेशन आप वहाँ पे डाल सकते हो, वो लोकेशन डाल सकते हो कि किस जगह पे आपका जाना है फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे यूएई में है, दुबई जाना है, तो यू कैन मेंशन दुबई। तो ये चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे आपको आपका एचएस कोड डालना, आपका कुछ भी एचएस कोड हो सकता है, आपको जस्ट वो मेंशन करना है। एचएस कोड मेंशन करना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है क्वांटिटी के कितना क्वांटिटी का। सपोज आप कुछ भी एक आइटम भेज रहे हो, तो सपोज आप पीसीज की बात करो तो 1000 पीसीज आप उसमें हो सकता है। अगर केजीज की बात करो, अगर आप कुछ ऐसी कमोडिटी भेज रहे हो जिसमें वेट में डिसाइड होता है, तो उसमें यू कैन मेंशन लाइक 25 मीट्रिक टन, इस तरह आप मेंशन कर सकते हो। तो आपका क्वांटिटी वहाँ पे आ, तो क्वांटिटी और रेट आ गया। जैसे आप कोई रेट क्या जा रहा है, अगर किसी मीट्रिक टन की बात करूं तो सपोज 200 यूएसडी डॉलर आ रहा है पर मीट्रिक टन, तो आप उसमें रेट मेंशन कर दो उसका। और अमाउंट दैट दिस रेट इनटू क्वांटिटी दैट विल कम टू योर फाइनल अमाउंट, सो इट कम्स 5000 यूएसडी। तो ये आपका फाइनल अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा। तो ये आगे अगर आपके और भी प्रोडक्ट हैं तो सेम उसमें एचएस कोड यहाँ पे डाल के, दूसरा एचएस कोड यहाँ डाल के सेम क्वांटिटी, ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें वेरिएशन हो सकता है कि अगर आप कुछ भी मटेरियल भेज सकते हो कितना ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप डाल सकते हो 2%, 4%, 5% आपको और आपके बीच में, आपके कस्टमर के बीच में क्या क्या बात हुई है, ये सब चल रहा है। ट्रांसशिपमेंट डाल सकते हो, ट्रांसशिपमेंट होगा नहीं होगा, आप पार्शल शिपमेंट आप भेज सकते हो या नहीं भेज सकते। पार्शल शिपमेंट का मतलब किसी ने आपसे 10,000 पीसेज मंगाए किसी भी प्रोडक्ट के, तो आप बोलते हो कि मैं पहले 5,000 भेजूंगा बाद में 5,000 भेजूंगा, तो पार्शल शिपमेंट वो होता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये मेन पॉइंट आ गया वैलिडिटी ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस। यहाँ पे आप वैलिडिटी मेंशन कर सकते हो। सपोज आज 17 जनवरी है 2020, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप जो परफॉर्मा इनवॉइस आप सेंड कर रहे हो तो वैलिडिटी है 0/2020, तो आप ये 30 तारीख तक वैलिड रहेगा। नेट ग्रोस वेट क्या है, ओवरऑल जो आप कंसाइनमेंट भेज रहे हो उसका आपको वेट पता होना चाहिए, इसका वेट कितना है। इट कुड बी एनीथिंग 5 मीट्रिक टन 10 मीट्रिक टन, जो भी आपका पूरा उसका नेट और ग्रोस वेट जो आ रहा है। तो यहाँ पे आ गए आपके डिलीवरी टर्म्स। डिलीवरी टर्म्स कुछ भी हो सकती है, एफओबी भी हो सकता है आपका, एफओबी हो गया आपका, एक्स वर्क हो सकता है आपका, सीआईएफ हो सकता है, कुछ भी आपका, ये दीज आर कॉल्ड डिलीवरी टर्म्स, जो आप इनको टर्म्स जो हम यूज करते हैं। इसके बाद आपका बैंक डिटेल आ गया, आपको पूरा बैंक का डिटेल भरना, आईसीआईसी बैंक, उसके बाद पीकेएफ का, यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं बैंक का, और आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। तो ये आपका अकाउंट नंबर होगा, और एक आपको स्विफ्ट कोड भी इसमें डालना पड़ेगा जो एक इंटरनेशनल होता है। तो उसमें आपको स्विफ्ट कोड नहीं, स्विफ्ट से एक मैसेज आता है, बट वहाँ पे क्या होता है इंटरनेशनल जो मार्केट होती है उसमें एक आपको इंटरनेशनल नंबर देना पड़ता है, तो वो सारे अकाउंट नंबर वगैरह सारा आपको उसमें शेयर करना है सब डिटेल। अगर आपका एलसी से जा रहा है तो एलसी के रिगार्डिंग उसमें डिटेल्स फिल कर सकते हो, एलसी शुड बी अवेलेबल फॉर नेगोशिएशन इन एनी बैंकिंग, इस तरह का आप मेंशन कर सकते हो।
अब आ गया अमाउंट चार्जेबल, यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 1000 USD हुआ तो ये 5000 आ गया, एंड वी डिक्लेयर दैट ये रहेगा आपका। और यहाँ पे आप पूरा आप मेंशन वर्ड्स में भी मेंशन कर सकते हो 5000 USD अमाउंट चार्जेबल आ गया जो आपका। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो आप ऐसे यहाँ पे वर्ड में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर डेट करके आपका कंपनी का नाम जो भी है वो आप मेंशन करके अपने लेटर हेड पे इसको प्रिंट करके आप भेज सकते हैं, आप स्कैन करके मेल से, हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, आप स्कैन करके मेल से आप इसको भेज सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी आपको भेजना है तो हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, तो ये अपना साइन करके भेजेंगे। तो यहाँ पे भी आप और भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको बायर का भी परफॉर्मा इनवॉइस पे साइन सिग्नेचर चाहिए तो आप उसको सेंड करके भेज सकते हैं, वो भी अपना साइन सिग्नेचर करके आपको इजीली सेंड कर देगा। तो ये जनरली परफॉर्मा इनवॉइस के पॉइंट्स हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जस्ट डू लेट मी नो, आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।